जय हिंद दोस्तों। डीएलसी भरने के लिए बैंक और पीसीडीए से एग्रीमेंट होने के बाद भी बैंकें डीएलसी भरने से मना कर रही हैं जिनका माइग्रेशन हो चुका है। क्यों मना कर रही हैं और पीसीडीए और बैंक क्यों फेल हो गए इस मामले में, पूरी डिटेल इस वीडियो में। सबसे पहले तो बता दें कि जो डीएलसी भरने के लिए बैंक से एग्रीमेंट हुआ है, पीसीडीए ने अपनी वेबसाइट में भी डाल दिया है उस एग्रीमेंट को। तो जो भी बैंक में अपनी डीएलसी भराने जाते हैं, जो माइग्रेट हो गए हैं, उनको डीएलसी भरने के लिए मना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो लेटर आप ले जाएं, जो बैंक एग्रीमेंट हुआ है उस लेटर को जरूर ले जाएं, तभी बैंक इस पर काम करेंगे। क्योंकि ये बैंकें इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि उनको बहाना मिल रहा है कि ये अभी जो इस पर्स में माइग्रेट हो गए वो हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, बैंक कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बता दें कि किसी भी तरह की डीएलसी हो, सारी डीएलसी आधार से भरी जाती है और सारे फॉर्मेट एक ही रहते हैं। डीएलसी का कोई ऐसा नहीं है कि अब इस वर्ष में हो गया तो डीएलसी नहीं भरी जाएगी। वो लेटर बता देते हैं, ये लेटर है वो, ये लेटर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा, जो कि आपको ये ले जाना है। ये लेटर है, ये 7/11/2022 को पीसीडीए ने जारी किया है। इस लेटर का मतलब है कि लाइफ सर्टिफिकेट बैंक से करा सकते हैं। जो भी पेंशनर्स बैंक से लाइफ सर्टिफिकेट अपनी मैनुअल नहीं कर पा रहे, अपने हाथ से नहीं कर पा रहे या सीएससी सेंटर से नहीं हो पा रहे, वो बैंक से जैसे कराते थे वैसे करा सकते हैं। तो बैंक में जाकर करा सकते हैं। जिनका अगर उसमें कंप्यूटर में उसका ले नहीं रहा है, आधार कार्ड उनका मिसमैच आ रहा है, तो वो एक फॉर्मेट ये दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के आधार पर बैंक में करा सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा बैंक में और यही फॉर्मेट आपका स्पर्श में चला जाएगा, यानी कि बैंक से स्पर्श में चला जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट को देके अपनी डीएलसी करा सकते हैं। इसमें आपको पीपीओ नंबर ले जाना है स्पर्श का, जो माइग्रेट हो गए हैं, ई पीपीओ नंबर ले जाएं या पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि आप में आपका जिसमें पेंशन आ रही है, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। तो बाकी इसी से आपका डीएलसी हो जाएगी। मैनुअल आधार पर भी कर सकते हैं और बैंक में आधार के आधार पर भी कर सकते हैं, यानी कि आधार से भी डीएलसी हो जाएगी। तो ये डीएलसी अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बैंकों का जो एग्रीमेंट हुआ है वो हेड ब्रांच में ही हुआ है, हेड ब्रांच से हुआ है। हेड ब्रांच ने अभी जो अपनी इनकी ब्रांचे हैं उनको मैसेज नहीं दिया है कि डीएलसी माइग्रेट पर्सन की भी करनी है, इसलिए हो सकता है ये नहीं कर रहे हो। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो माइग्रेट हो गए। माइग्रेट हो या किसी भी तरह की डीएलसी कराना चाहो तो आप कहीं से भी करा सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। आप माइग्रेट हुए हो चाहे नहीं हुए हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।